मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर जनपद की 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन व कंबल का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं महिलाओं के पास आ गए और उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। इससे महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी। यदि यह महिलाएँ समूह बनाकर कार्य करें तो निश्चित ही यह महिलाएँ प्रतिदिन 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन कमा लेंगी। इसमें प्रशासन को भी इनका सहयोग करना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले महिलाओं को यह मशीन दिया जा रहा है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 2 मेडिकल बैंक की सुविधा दी जा रही है। यदि कोई गांव में बीमार पड़ता है तो यह वाहन जाकर उनको अस्पताल तक पहुँचाएगी, जिसका शुभारम्भ आज से हो रहा है। यह मेडिकल वैन गोरखपुर के वनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के गाँव में जाएगी। इससे मेडिकल की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी कृष्णा करुरेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पूज्य महाराज श्री के साथ सभी लाभार्थियों, उनके कंबल के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम, जिसमें तमाम सारे 1150 महिलाओं को सिलाई मशीन, ये ग्रुप फोटोग्राफी, सभी लाभार्थियों का कुशल। इस सर्द मौसम में भी गर्मजोशी। भारत माता की जय, जय सीताराम। जेके समूह कानपुर के द्वारा 1150 महिला समूह को सिलाई मशीन वितरण यानी प्रशिक्षण के बाद वितरण के इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ SBI के CSR मद से 2 मेडिकल वैन के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री मोतीबहादुर सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, MD MCO, NSDL सुशील पांडा चंडड़ो जी, संस्थापक JK Tech अभिषेक सिंघानिया जी, श्रीमती वर्षा सिंघानिया जी, श्री वेदांत सिंघानिया जी, श्री मनीष सिंह मान सिंह का, आशीष चौहान जी, महाप्रबंधक SBI लखनऊ श्री आनंद मिश्र जी और सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकार के साथ साथ प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दृष्टिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के महानगर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए महिला समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मकर संक्रांति के और लोहड़ी के एक दिन पूर्व JK समूह के द्वारा और NSDL के तत्वाधान में आज 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं।
जिसमें एक ओर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए दो मेडिकल मोबाइल वैन की शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर की बंटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन दो पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को एनएसडीएल और एसबीआई को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप सब यहां पर इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद यहां पर आए हैं। हम सब जानते